ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। और इसलिए मैं कहता हूँ 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ ऋषभ चौहान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नाम के आगे मोदी का परिवार लिखने के अभियान के बाद अब बीजेपी नेता इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं। जी हाँ, ट्विटर पर मोदी के परिवार के बाद अब दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली में मंगलवार शाम से एक नया अभियान शुरू करने की तैयारी में है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के घर के बाहर नेम प्लेट में उनके नाम के साथ मोदी का परिवार लिखा होगा। नई दिल्ली सीट से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज की मौजूदगी में इस अभियान को सफदरगंज इनक्लेव से शुरू किया जाएगा। बीजेपी की रणनीति इसे साल 2019 के मैं भी चौकीदार से बड़ा अभियान बनाने की है। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने अपने एक्स प्रोफाइल पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ा था। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हम सब मोदी का परिवार है, तो हमारे घरों के बाहर भी हम इसे लिखेंगे, ताकि हमारे घरों में आने वाले मेहमानों को भी पता रहे कि वो मोदी के परिवार में आ रहे हैं। बीजेपी नेता विवेक गोपाल ने ये बात कही कि आज शाम से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पहले करीब 30 से 40 परिवारों के साथ मोदी परिवार की बैठक होगी, जिसमें मोदी परिवार की सदस्य बांसुरी स्वराज बैठक को लीड करेंगी। इसके बाद मोदी परिवार के सदस्यों के घरों के बाहर नेम प्लेट लगाई जाएगी, जिसमें उनके नाम के साथ लिखा होगा मोदी का परिवार। दरअसल इस ट्रेंड की शुरुआत उस समय हुई जब रविवार को इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी नेता लालू यादव ने पटना में एक रैली में कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी के पास अपना परिवार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। जिसके बाद सोमवार को तेलंगाना में एक रैली में मोदी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं इनके परिवार बात पर सवाल उठाता हूं, तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है, जिसका कोई नहीं है, वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत मेरा परिवार है। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। मेरा भारत ही मेरा परिवार है। इसके बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मोदी मेरा परिवार की मुहिम चला दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के सभी मंत्री, मुख्यमंत्री और नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने अपने एक्स प्रोफाइल पर नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ दिया। अब बीजेपी नेता अलग अलग जगहों पर इस अभियान को अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्द बोलना क्या विपक्ष के नेता को चुनावी फायदा पहुंचाएगा या नुकसान? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।